श्री गणेशाय नमः। चौथे व्रत में तीन देवों की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। वैसे भी आज गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना विशेष विधि विधान से की जाती है। चौथे वैसे जो लोग 12 महीने की चौथ करते हैं उनको चंद्र दर्शन जरूर करना चाहिए और आज गणेश चतुर्थी होने के कारण चंद्र दर्शन का विशेष महत्व बढ़ जाता है। आज चंद्र दर्शन करने से शुभ मुहूर्त में जब हम चंद्र दर्शन करेंगे तो हमारे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हमें भगवान श्री गणेश के दर्शन के बराबर ही हमें लाभ प्राप्त होगा। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल के माध्यम से आपको व्रत एवं त्योहारों के विधि विधान और उनके शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार बताए जाएंगे। आज चंद्रमा कितने बजे निकलेगा, चंद्रमा दर्शन का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रमा को अर्घ कब देना है, जानेंगे संपूर्ण जानकारी पंचांग के अनुसार। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन जरूर करता हूँ, कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़े। कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। भगवान गणेश की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं राहु काल की, क्योंकि राहु काल में ना ही आपको चंद्र दर्शन करना है और ना ही आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। तो आज यदि राहु काल की हम बात करें तो राहु काल है जो सुबह 10:42 से प्रारंभ हो चुका था और जो कि दोपहर 12:13 तक रहा था। तो इस राहु काल के हिसाब से तो जो चंद्र दर्शन यानी कि चंद्रमा का जो उदय है वो रात में होगा, तो राहु काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लोग आराम से चंद्र दर्शन कर सकते हैं जब चंद्रमा उगता है और चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। तो चंद्रमा के उगने का हम चंद्रोदय का अगर समय देखते हैं पंचांग के अनुसार तो रात्रि 20:20, इसका मतलब होता है 24 वर्ष के अंदर रात्रि 8:20 चंद्रमा के उगने का समय है। चंद्रमा 8:20 पर आपको दिखाई देगा, लेकिन हर क्षेत्र में चंद्रमा के उगने का समय अलग अलग होता है देशांतर के हिसाब से। तो पूरे भारतवर्ष की बात करें तो 8:20 से प्रारंभ होगा और ये करीब आपको 8:30 के मध्य लगभग पूरे भारतवर्ष में आपको चंद्रमा उगते हुए नजर आ जाएंगे, चंद्रमा निकलते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, चंद्रमा के बात करते हैं अपन दर्शन का शुभ मुहूर्त और अर्घ्य देने के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो शास्त्रों में कहा जाता है कि उगते हुए यदि हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो अच्छा होता है, या उगते हुए चंद्रमा का हम दर्शन करते हैं तो वो शुभ मुहूर्त वही माना जाता है। बाकी जैसे 2-3 घंटे हो गए, लेट हो गए, उसका प्रभाव आपको कम यानी कि कह सकते हैं अपन फल कम प्राप्त होता है, लेकिन उगते हुए चंद्रमा के दर्शन करने से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। इसी के